अनुभव में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आपको पता चल गया होगा कि अब फाइनल जो है हमारा पार्ट आने वाला है, जिसे फंक्शन में इतने सारे आप लोगों को दिखा चुकी हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, सबसे लास्ट और सबसे अहम जो होता है ब्लॉग, वो आज का है। तो आप लोग भी चलिए साथ में और देखिए। और सो फ्रेंड्स, जहाँ से कल वीडियो एंड की थी, बस शुरुआत वहीं से कर लेते हैं। तो एंट्री तो मैं आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ, अब मेरी एंट्री बाकी है। तो सबसे पहले गेट पर भाभी जी ही मिल गए हैं, और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये हमारी पूरी महिला मंडली साथ में ही चल रही है, और पूरी शादी साथ में ही बैठ कर हम लोगों ने इंजॉय किया है, और हंसी मजाक चलता रहा। और यहाँ पर देखिए, सासू माँ है लड़की की, और उसकी मासी सासू माँ है, दोनों बातें कर रही हैं, दोनों यानी बहनें हो गई। और अब यहाँ पर मेरी भी एंट्री हो रही है अंदर से, और अब आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखा रही हूँ। यहाँ पर गेस्ट पहुँच चुके हैं सारे, लड़के वाले सब पहुँच चुके हैं, और ये देखिए स्टेज भी सज चुका है, और हमारी मस्ती भी शुरू हो चुकी है सेल्फी वाली। और अब देखिए, दूल्हे राजा की भी एंट्री हो चुकी है स्टेज पर, और उनके जो दोस्त हैं ना, वो कैसे उठाकर उनकी एंट्री करवा रहे हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई, और हमारी बन्नू रानी ने भी एंट्री ले ली है। तो लग रही है ना, हमारी बन्नू रानी बिल्कुल स्वीट सी, प्यारी सी डॉल लग रही है, बिल्कुल लाल जोड़े में सजी हुई। और आज का दिन हर लड़की के लिए बहुत ही खास होता है, तो जाहिर सी बात है हमारी बिटिया रानी दीक्षा के लिए भी बहुत ही खास है। अपने नए जीवन में प्रवेश करने जा रही है, नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही है। हम सब मिल के इसको ढेर सारी दुआएं देते हैं। हम सब की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले, बस यही कहना चाहती हूं मैं। देखिए, दुल्हन का आगे निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग आ जाते हैं यहाँ पर सेल्फियाँ खींचने के लिए, और फोटोग्राफर आगे खिसकने ही नहीं देते हैं। तो बस धीरे धीरे कर करके बहुत टाइम लग जाता है स्टेज तक जाते जाते। बस यही सब यहाँ पर प्रोग्राम हो रहे हैं फ़ोटो खींचने खिंचाने वाले। रास्ते पर ये देखिए, यहाँ पर भी सेल्फी हो रही है भाई। पर देखिए, हंसी मजाक का पल शुरू हो चुका है, क्योंकि ये जो दोस्त लोग हैं ना, ये और जीजा जी हैं ये लड़के के, ये सब लोगों ने उनकी सीट कवर कर ली है। तो यहाँ पर दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को लेके बस खड़े ही हैं, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी सीट छोड़ दो और हमें बैठने दो। तो देखिए भाई, ऐसे भी सजा होती है क्या कोई दूल्हा दुल्हन के लिए, जिसकी सीट भी कवर हो चुकी है, और दोस्त लोग हैं कि अकड़ कर खड़े हैं, किसी बात पे मानने वाले नहीं हैं ये, इन्होंने तो बिल्कुल सीट पर कब्जा जमा लिया है, अब आप लोग खड़े ही रहो।
सिफारिश लगाने के लिए दुल्हन का भाई भी आ गया है, क्योंकि भाई दूल्हे के बस का तो कुछ रहा नहीं और अब दुल्हन का भाई आके ही कुछ करेगा। आखिर भाई लोग होते किस लिए हैं? आप देखिए चारों भाई आ चुके हैं यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो भाई होगा ही होगा। भाई इन चारों भाइयों ने आकर बस सीट को खाली ही करवा दिया है दुल्हन के लिए और दूल्हे राजा के लिए खाली हो चुकी है सीट, तो आप लोग को देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब रिंग सेरेमनी होने ही जा रही है, तो दुल्हन की ननद रानी रिंग लेकर हाजिर है, आप लोग भी देखिए। सो फ्रेंड्स, रिंग सेरेमनी तो हो गई, अब है जयमाल की बारी। तो अब आप लोग जयमाल की मस्ती भी देख लीजिए। तो यहाँ पर दूल्हे को तो उनके दोस्तों ने उठा लिया है, लेकिन हमारी जो बन्नो रानी है उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मुझे कोई भी नहीं उठाएगा और जिसको जयमाल डलवाना है वो खुद ही नीचे आएगा। जयमाल होने के बाद अब सब लोग पेट पूजा की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि सबको भूख लग गई थी, ज़्यादा टाइम हो गया था। तो यहाँ पर देखिए इन बारातियों का कैसे शानदार स्वागत हो रहा है, एकदम शाही अंदाज में खाना परोसा जा रहा है। और ये देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट है, ये खासकर बारातियों के लिए और उनके रिश्तेदारों के लिए है। एकदम शाही खाना लग रहा है ना, बिल्कुल राजा महाराजाओं वाला खाना, बहुत ही अच्छा लगा। और ये तो सच में एक आकर्षण का केंद्र बन गया था, बिल्कुल ही इनके जो बर्तन थे ना वो बिल्कुल ही राजा महाराजाओं के जमाने के लग रहे थे और ऐसी फीलिंग आ रही थी ना जैसे हमारे राजा ही बैठे हैं। यहाँ पर भी गोलगप्पे इनको मिल ही गए हैं और यहाँ पर सब लोग दूल्हा दुल्हन का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये सब लोग वेट कर रही है, फेरे नहीं हो रहे, अभी नहीं हुए फेरे, नहीं हो रहे।
कब होंगे? कब होंगे तेरे? कितनी वेट करनी पड़ेगी? ये सब लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर, फेरे कब होंगे? फेरे हो नहीं रहे हैं, अभी दूल्हा दुल्हन आए नहीं है, मंडप सज चुका है। तो यहाँ पर देखिए पंडित जी भी मंडप में आ चुके हैं और ये लड़की के मम्मी पापा भी बैठ चुके हैं कन्यादान करने के लिए। तो सब तैयारी हो चुकी है, बस देरी है तो वर और वधु की, जो अभी गायब है। तो देखिए कब तक वो आते हैं। तो इस पंडित जी की मैं एक खासियत बता दूं, इन्होंने इतने विधि विधान के साथ और रीति रिवाजों के साथ ये शादी करवाई कि वाकई में सुन के भी इतना अच्छा लग रहा था। सबका अर्थ समझा रहे थे, सारे मंत्र अच्छे से पढ़ के। यहाँ पर जो भी बैठकर ये सब सुन रहे थे ना, सबको अपनी शादी की सारे वचन याद हो गए और सब लोग कहने लगे वाकई में ये सुनने के बाद तो हमें भी अपने वचन याद आ गए सारे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, भाभी बहुत परेशान हो रही हैं, वेट कर करके पंडित जी को सिखा रही हैं। इतनी बोतलें खाली कर दी हमने और पंडित जी को सिखा रही हैं कि शोर करो तभी जल्दी से फेरे के लिए लड़के लड़की आएंगे। दूल्हे को दुल्हन को वो भी बेसब्री से इंतजार करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे वर और वधु मंडप में पधार चुके हैं और इस पवित्र रिश्ते में बनने के लिए, एक सूत्र में बनने के लिए ये तैयार हैं बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं सारी रस्में और पंडित जी इनको अभी कुछ पूजा करवा रहे हैं। बस धीरे धीरे सारा प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, तो आप लोग भी बने रहिए और देखते रहिए। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को। तो शादी की ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ी लंबी होनी ही चाहिए। हे माँ भक्ति बच्चों की रक्षा करना, टॉर्च मात्रम, टॉर्च मात्रम, टॉर्च मात्रम, इधम न पाद्य मर्ग मात्रम, रीतु बलम समर्प्यामि, रीतु बलम समर्प्यामि, पुनर्चिनानम समर्प्यामि, रूपम दीपम रूपम दीपम दर्शयामि। नमस्कार मंगलाय। उसके बाद क्या क्या चरनामक, जैसे मंदिर में भगवान को पहले चरनामक फिर प्रसाद, चरनामक या आचमन या चरनामक। अभी आपको भोग लगवाएंगे, इसे कहते हैं मधुपल। लिखना पड़ता है तो बताना पड़ेगा ना बेटी, जब भी कोई घर जाओ अपने ठाकुर का, अपने इसका का, रसोई घर अन्नपूर्णा देवी देव का पका बलग करे मोबाइल टीवी का, फिर मोबाइल फोन में बच्चा होते हैं। अब ये आए आपके हेडमास्टर दुकान से आए, बोल जल्दी करो आज वो कस्टमर है जन है, तो तुम बोले शहर में दो मिनट हो जाता ना, ये गुस्सा आ गया है। अरे को गुस्सा आया तो आप मन भी खराब हो गया। अच्छा बनाती हूँ, अब रोटी बना रहे हो पर ध्यान कहाँ है? कभी भी इनको किरोस से भोजन मत खिलाना, प्रेम से खिलाओगे तो अमृत पाओगे बेटी, पर किरोस से भोजन मत खिलाना। ये ग्रस्त की पहली सीढ़ी है, परिवार ग्रस्ती के अंदर किरोस हानिकारक है ना, ये दवाई पुरानी हानिकारक है, इसीलिए ग्रस्त के अंदर भी किरोस नहीं करना पक्का। हम ये फर्क हो, ज्ञानी बच्चा हर बात को परखता है बुद्धिमान। अब ग्रस्त की पहली चीड़ी आप भी छोटे बेटा, दो परिवार से जुड़ रहे हो, आपको हर बात को परखना पड़ेगा। पहले कोई गलती कर दिया ना, पहले बाल है छोटा कोई डाले अपना बाल, घर में जब शादी पहले गलती करता है तो बेटा है, जब शादी के बाद गलती करेगा नाम किसका आएगा? किसका आएगा? क्या कहे टीचर सिखाएगा है ना। अब आपने इसकी बुराई नहीं करनी, ना बुराई होने देनी है। तो फ्रेंड्स आज जो है ये शादी का लास्ट पार्ट था। बहुत ही जल्द आप लोगों को मैं दूसरी वीडियो के साथ मिलूंगी।
तब तक के लिए बाय 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 करो बाय बाय देखो बाय बाय इधर ही बाय बाय लैंग्वेज लैंग्वेज है, आज मेरा पूरा साथ दिया है, इसने मेरी सारी वीडियो बनाई है, इस ब्लॉग का सारा श्रेय मेरे चीनू को जाता है।